Hello guys, how this question was asked in NEET 2010 pre paper. ये क्वेश्चन हमारे NEET 2010 के प्री पेपर का है. ये क्वेश्चन से स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड x y 3 आर 60 40 एंड 50 जूल जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू -30 किलो जूल देन द टेंपरेचर शुड बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें एक रिएक्शन गिवन है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 इस गिव्स xy3, इसका डेल्टा एच का वैल्यू -30 किलो जूल है. ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा x2 3y2 गिव्स 2xy3 और इसका डेल्टा, हमने पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डेल्टा एच भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 60 किलो जूल. ठीक है, अब हमें पता है कि डेल्टा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सम ऑफ डेल्टा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा सिग्मा डेल्टा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो अब हमें पता है कि x2 का एंट्रोपी है 60 जूल केल्विन इनवर्स मोल, y2 का है 40 और xy3 का है 50. तो इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकाले, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकाले तो क्या हो जाएगा 2 × 50 -3 × 40 -1 × 60. ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए क्या आ जाएगा हमारा -80 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, ये हमारा डेल्टा एस हो गया. अब हमें पता है जो हमारा डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब हमसे बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा. एट इक्विलिब्रियम में पता है डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ गया. डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, किलो जूल में गिवन है, लेकिन हमने डेल्टा एच की वैल्यू जूल में निकाली है, तो हम इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -60 इंटू 1000 इज इक्वल टू -80 इंटू टेम्परेचर टी. तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा 750 केल्विन. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.